क्लास 5 लेसन 10 सिंपल मशीन्स। इसमें आज हमें देखना था पुली के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुली क्या होता है। ए पुली इज ए सिंपल मशीन मेड विथ ए रोप और चेन रैप्ड अराउंड अ व्हील। पुली क्या है? एक साधारण सा मशीन है जो एक पहिए में चेन को या रोप को, मतलब रस्सी को लपेट के बनाया जाता है। इट चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या करता है? जो फोर्स हम लगाते हैं, जो बल लगाते हैं, उसकी दिशा को बदल देता है। एंड दस मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट थिंग टू सम हाइट। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कुछ ऊंचाई तक उठा सकते हैं, यानी कोई भी लोड हो या भारी सामान हो तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उठा सकते हैं कुछ हाइट तक। ठीक है, कुछ ऊंचाई तक हम पुली की सहायता से भारी सामान को ऊंचाई तक उठा सकते हैं। सम सिचुएशंस वेयर पुली आर यूज आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल। कुछ ऐसी जगहों हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे पुली का यूज होता है, जो कि प्रायः आम तौर पे आप सुने होंगे और आप देखे भी होंगे, तो वो है कुएं से पानी निकालना। कुएं से पानी निकालते समय क्या होता है कि पहिया लगा होता है एक, हाँ, और उसमें रस्सी लपेटी होती है, और दूसरे सिरे पे क्या करते हैं, उसमें बाल्टी बांध के हम कुएं में लटका देते हैं, और फिर हम दूसरे तरफ की रस्सी जब खींचते हैं तो पानी उसमें भर जाता है और वो क्या होने लगता है, ऊपर आने लगता है, फिर हम उस पानी को निकाल लेते हैं। तो यह प्रायः आप लोग देखे होंगे। रेजिंग ए फ्लैग ऑन ए फ्लैग पोल। उसके बाद जो झंडा हम क्या करते हैं, झंडा हम टांगते हैं, उसमें भी पुली ही यूज होता है। वर्कर्स लोडिंग गुड्स, और जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर भी पुली का इस्तेमाल होता है सामान को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पुली। पुली जो होता है दो मुख्य प्रकार का होता है, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। वह पुली जो फिक्स होता है अपनी जगह पे, और वह पुली जो मूव करता है यानी चलता है। लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। इन फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली, ये देखिए फिक्स्ड पुली का डायग्राम दिया हुआ है। इन फिक्स्ड पुली द पुली इज अटैच्ड टू हुक और ए वॉल एंड इट डजेंट मूव। फिक्स पुली में क्या होता है कि जो पुली होता है वह किसी हुक में या दीवार में फिक्स होता है और वह मूव नहीं करता है, वह एक जगह पे फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एफर्ट। फिक्स पुली क्या करता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होता है उसे चेंज कर देता है। बट डू नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स। लेकिन जो फोर्स का अमाउंट होता है, जो फोर्स की संख्या होगी उसको नहीं बढ़ाएगा, केवल उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। इसका एग्जांपल आ जाएगा वेल्स एंड फ्लैग पोल। जो कुएं से पानी निकालना, उसमें जो पुली लगी होती है, जो पहिया लगा रहता है, वो फिक्स होता है, वो इधर उधर चलता नहीं है, तो हम उसमें सिर्फ रस्सी की सहायता से हम उसमें अपने काम को आसानी से कर लेते हैं। इन मूवेबल पुली द पुली मूव्स विथ ए लोड। लेकिन मूवेबल पुली में क्या होता है कि जो पुली होता है वह लोड के साथ चलता है, यानी जो पहिया जिसमें रस्सी लपेटी जाएगी वो भी क्या होगा, चलेगा लोड के साथ। इसमें लोड के साथ पहिया नहीं चलता है, इसमें लोड के साथ पुली नहीं मूव करती है, सिर्फ उसकी रोप मूव करती है, लेकिन मूवेबल पुली में वो जो पहिया है वो भी मूव करेगा। द एडवांटेज ऑफ दिस पुली इज दैट टू रिड्यूस द एफर्ट यूज टू पुल लोड। और इसमें क्या होगा कि इस पुली में क्या होता है कि जो हम एफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, जो हम किसी काम को करने में या लोड को उठाने में मेहनत करते हैं, वह कम हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है, ये इसकी अच्छाई है। एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल पुली आर, मूवेबल पुली का एग्जाम्पल होता है क्रेन, क्रेन है इसका एग्जाम्पल, एंड ब्लॉक एंड टैकल्स पुली इन सेलिंग बोट। और साथ ही साथ जो सेलिंग बोट होता है, यानी जो जहाज पानी में चलते हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद से है व्हील एंड एक्सल और स्क्रू और वेज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।